में जाएंगे, यदि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो कैसे आयोजन करेंगे, तो इसलिए गाइडलाइन जारी की। सावेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का प्रचार करने पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने तुलसी सिलावट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सावेर की जनता को मंत्री तुलसी सिलावट के स्वार्थ के कारण इस कोरोना महामारी में चुनाव के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। कमलनाथ ने सावेर में मेट्रो ट्रेन चलाने का वादा किया था, क्या इतना काफी नहीं था सिलावट के लिए जो उन्होंने जनता के वोट को बेच दिया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे पार्टी छोड़कर जाएंगे, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया लेकिन सिंधिया और उनके समर्थकों ने गद्दारी करके जनता का बहुत बड़ा अपमान किया है। हो सकता है, जहां तक बात सावेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं, आज भी जनता यहां पर उनके कार्यकाल को याद करती है, चाहे डैम के निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, ऐसे अन्य विकास कार्य उस समय किए गए थे। और सावेर का हर एक मतदाता ये बात भी हर जगह कह रहा है।